लेजेंड्स प्लेयर की अगर हम बात करें, जी हाँ, तो लेजेंड्स प्लेयर जैसे कि अमूमन लोग ये सोचते हैं कि लेजेंड्स प्लेयर तो ज्यादातर वो हुए जिनके ढेरों रन्स हैं, ढेरों विकेट्स हैं, खूब सारा उन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है, जी हाँ, रन्स में 10,000, 15,000, 20,000 रन्स हैं और खूब सारी सेंचुरीज हैं, तो उन्हीं को आजकल ज्यादातर लेजेंड्स कैटेगरी में गिना जाता है। अगर आपने कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम गिना दिए जिनके जिन्होंने ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले लेकिन उनको आप लेजेंड कह रहे हैं, तो फिर वो आपका वहीं पे सरेआम मजाक उड़ा देंगे। और बिल्कुल, और मजाक उड़ाने वाले लोगों की जो तादाद है वो कई गुना ज्यादा आएगी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जी हाँ, उन्हीं मजाक उड़ाने वाले लोगों के लिए ही आज ये वीडियो है, उनके लिए भी है जो रियल क्रिकेट को फॉलो करते हैं। लेजेंड्स का मतलब ये नहीं होता कि आपके आपके टैली के साथ कितने रन्स, कितने विकेट्स और कितना कुछ जुड़ा हुआ है, उसका मतलब ये भी होता है कि आपने अपने देश में बैठे हुए यंग प्लेयर्स को कितना इंस्पायर किया है कि वो आपकी तरह उसी क्रिकेट फील्ड में आए और आप ही की तरह नाम रोशन करें या फिर आपसे भी ज्यादा ऊपर तक वो पहुंचे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपने अपने देश में किस तरह से लोगों को इंस्पायर किया है कि वो क्रिकेट में आए और बेटर करें अपने देश के लिए। आज जो हमने 3 प्लेयर्स पिक किए हैं, जी हाँ, इन पे यही चीज सूट करती है। आपको अगर हम बता दें, पहले प्लेयर स्टीव टिकोलो फ्रॉम केन्या, जी हाँ, आप सबको बहुत नाम, बिल्कुल बहुत फेमस नाम है, जी हाँ, गंजीज और गन्स, जी हाँ, ये इनके निक नेम है, इनसे उन्हें बुलाया जाता था, स्टीव टिकोलो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केन्यान प्लेयर, अगर हम कहें तो उसमें कोई दोहराई नहीं होगा, ये लेजेंड है अपने देश के लिए और कहीं ना कहीं ये कोचिंग भी कर चुके हैं, जी, इनको कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है। चलिए उनके बारे में और विस्तार से आगे बताएंगे। दूसरे प्लेयर रियान टेन डॉस्च, जी हाँ, नेदरलैंड्स से, इनके ये भी उन कैटेगरीज में है जिनका अगर आपने बताया कि ये लेजेंड प्लेयर है तुरंत आपका मजाक उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इनके रन्स ओडीआई में 2-3 हजार से ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2,000 के करीब रन्स है और T20 में भी कुछ खास रन्स नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट जिस तरीके का है वो उस पर कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रन्स और विकेट्स के पीछे भाग के ही लोगों को लेजेंडनेस नजर आती है। तीसरे प्लेयर, जी हाँ, एक और प्लेयर है, तीसरे प्लेयर शक्ति गोचन फ्रॉम नेपाल। अब आपको हम बता दें, एक ओडीआई इंटरनेशनल खेला हुआ है, वन डे इंटरनेशनल सिर्फ एक खेला हुआ है, 9 T20 इंटरनेशनल खेला हुआ है। आप सोचेंगे क्या मजाक है यार, ये लेजेंड प्लेयर का नाम गिनाते हो आप, लेकिन इनके पीछे इन्होंने जिस तरह से अपने देश को आज पहुंचाया, कहते नहीं है सीड्स देना, जी हाँ, इन्होंने, इन प्लेयर्स ने जिस तरह से अपनी कंट्रीज के जो यंग प्लेयर्स है उनको इंस्पायर किया है वो काबिले तारीफ है। और जिस मुकाम पे आज इनकी इंटरनेशनल टीम्स है, चाहे आप ये कह रहे हैं कि इनके पास ओडीआई स्टेटस है या फिर T20 स्टेटस है, ओडीआई स्टेटस है, ये इन सब ने अर्न किया है कहीं ना कहीं, जी हाँ, इन तीनों प्लेयर्स का बहुत बड़ा योगदान अपनी टीम्स के लिए रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं, जी हाँ, रियान टेन डॉस्चक के बारे में, नेदरलैंड टीम के प्लेयर रियान टेन डॉस्चक, इनका फर्स्ट क्लास करियर किस तरीके का है, इनके ओडीआई में रिकॉर्ड्स, एवरेज इनका ओडीआई में आज तक अनबीटेबल है, और जहां तक बात है T20I में वहां पे भी लाजवाब है। इनके रिकॉर्ड्स के बारे में पहले जानते हैं, फिर बात करेंगे कि किस तरह के प्लेयर है और कितना इंपैक्ट इनका नीदरलैंड टीम में रहा। भाई मैं हंसा था, जी हाँ, मैं मुस्कुराया था, क्योंकि रियान टेन डॉस्चक से हमारी याद तो बहुत पुरानी है, 2011 वर्ल्ड कप से है और फिर IPL में भी देखा हमने, हमारी फेवरेट टीम, बिल्कुल, जी हाँ। तो कहीं ना कहीं अब हम यहाँ पॉइंट पे आ जाते हैं कि आखिर ये है क्या, इन्होंने किया भी क्या है अपने नीदरलैंड्स के लिए, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना भाई क्या किया होगा जो लेजेंड आप कह रहे हो, 3 बार एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेके गया है, बिल्कुल, ICC की तरफ से है, कोई किसी को नहीं बांटा है, बिल्कुल, 2008, 2010, 2011 तीन बार अवार्ड लेके गए हैं ICC का। वर्ल्ड कप में 2011 के वर्ल्ड कप में ये इकलौते प्लेयर हैं ऐसे, एबी डिविलियर्स, सचिन सर, और तीसरे ये हैं, बिल्कुल, जिनका 2 शतक हैं इन दोनों के बाद। अब बताइए कहां गए और प्लेयर्स, जी हाँ, ये तीसरे प्लेयर थे उस वर्ल्ड कप में ऐसे जिनके 2 शतक थे एबी डिविलियर्स और सचिन सर के बाद, जी, इतना बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने उस वर्ल्ड कप में नाम कमाया, जी हाँ, और फर्स्ट क्लास करियर में अगर रन की बात करें तो 10,000+ रन, जी हाँ, ऐसे ही हवा में नहीं बन जाते 10,000 रन, उसके लिए काफी बेहतरीन आपको इंटेंट चाहिए, काफी बेहतरीन टेक्निक चाहिए, और इस तरह का इम्पैक्ट उन्होंने अपनी टीम में छोड़ा था वो उनकी परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं नजर आता है। अब जरा गौर करिए उनके ओडीआई और T20 एवरेज पर, बिल्कुल, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लास में आता, जी हाँ, फर्स्ट क्लास जहाँ पे भी खेलते हैं क्या करते हैं आप जानिए, क्या वहां पे बेकार है या फिर खाली बड़बोलापन है कि जॉयस्टिक 193 मैचेस खेले हैं, 10,000+ रन, 10,000 ही है वो, और 45 का उनका एवरेज है,
बैटिंग एवरेज शानदार, 29 शतक 50 सेंचुरी एक, और इसी के साथ माफ कीजिएगा डबल सेंचुरी में उनका बेस्ट है 259 नॉट ऑन। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं किस लेवल के वो प्लेयर रहे हैं। अब आप सोचिए इस तरह के रिकॉर्ड्स आप जब भी बात करेंगे तो आपको टेस्ट प्लेइंग नेशंस के बड़े बड़े प्लेयर का नाम आएगा, लेकिन क्या इनका नाम उस तरह का है जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस का नाम था? फिर भी ये उन प्लेयर्स में से है जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा कोई बड़ा नाम हो, हमें ये मिले, फेम मिले, इन्होंने अपने देश के लिए और लगातार अब परफॉर्म करते गए, और ये रियंट डॉस्टेड है जो कि जबरदस्त परफॉर्मर अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो खैर डॉस्टेड की बात हो गई, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टीव टिकोलो। अब आप सोचिए सिर्फ 15 T20I मैच, जी हाँ सिर्फ 15 T20I मैच, लेकिन बैटिंग एवरेज 29 का, जी हाँ 29 का बैटिंग एवरेज T20I में काफी बेटर है। फर्स्ट क्लास में करीब करीब 5000 रन, जी हाँ 49 का एवरेज, जी हाँ टीम देखिए, जी हाँ 49 का एवरेज बैटिंग बैटिंग फर्स्ट क्लास में, और जहां तक फिर ओडीआई में आए 30 करीब का एवरेज 3428 रन, और यहीं पे नहीं सिर्फ बैटिंग का दमदार नहीं था इनके ऊपर, 94 ओडीआई विकेट्स हैं इनके नाम, केनिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन मारने वाले प्लेयर्स में ये शुमार हैं, और सेकंड मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर्स में भी ये है। और अगर हम बात करें इनके टॉप स्कोर की, जी हाँ चलिए टॉप स्कोर को छोड़ते हैं, अब हम आपके इनके बारे में बताते हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, जी हाँ 147 रन की इनिंग खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, जी हाँ उसके बाद उनके 1997 में उनके बल्ले से निकली थी, उसके बाद वो मैच तो केन्या ने जीता ही, और उसके बाद 1999 वर्ल्ड कप के लिए भी केन्या ने क्वालिफाई कर लिया। डेब्यू करते हुए इंडिया के खिलाफ 62 रन की इनिंग्स, काबिले तारीफ इनिंग, जबरदस्त इनिंग, वहीं पर उन्होंने दिखा दिया था कि अपने देश के लिए कितने बड़े प्लेयर्स बनने जा रहे हैं, और इसी को उन्होंने और गौरव किया जब उन्होंने तंजानिया टीम की कोचिंग संभाली। जी हाँ अभी उन्होंने उन्होंने उनको कोचिंग का भी एक्सपीरियंस रहा है, और वो उन्होंने कोचिंग में भी लगातार अपना योगदान दिया है। स्टीव टिकोलो काफी बड़े नाम है, हमने उनके मैचेस फॉलो किए हैं, कहीं ना कहीं केन्या के लिए बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर रह गए। अगर केन्या जिस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जिस तरह से उनका डाउनफॉल हुआ है, अगर वो लोग अगर उनमें से किसी को भी अगर केन्या को इंस्पायर लेना चाहिए, इंस्पिरेशन किसी से लेना चाहिए, तो वो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्टीव टिकोलो खुद में ही उनके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन सामने से नजर आते हैं। रियान डेन दर्शक की बात हमने कर ली, स्टीव टिकोलो की हमने बात कर ली, जी हाँ अब एक और प्लेयर है शक्ति गोचन फ्रॉम नेपाल, जी हाँ जैसे हमने पहले कहा आपको, आप अगर यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे जाके शक्ति गोचन के नाम से स्टैट्स ओपन करेंगे, सबसे पहले आपकी अगर आप क्रिकेट फैन नहीं है तो आपको तुरंत हंसी छूटेगी, अरे इसे लेजेंड कह रहे हो, एक मैच खेला है ओडीआई का, वनडे इंटरनेशनल का, और 9 T20I मैच खेले जिसमें 8 विकेट निकाले। हमने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि जाहिर सी बात है पहले लोग सोचते हैं कि अरे ये कहाँ से लेजेंड हो गए, ये तो इतने कम मैचेस खेले हुए हैं, समझाते हैं आपको कैसे लेजेंड है, और नेपाल की क्रिकेट में कितना बड़ा योगदान इनका है, पारस कर्ता के साथ साथ इनका भी क्या योगदान है जानिए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से परफॉर्म किया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ बहुत पीछे हमें जाना होगा, बिल्कुल, क्योंकि भाई प्लेयर बहुत पुराने हैं और वेटरन प्लेयर हैं, जबरदस्त प्लेयर है नेपाल के लिए, कहना ये है 2012 में इनके कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं, जी हाँ बहुत बड़े प्लेयर हैं। 2012 में जब ICC का वर्ल्ड T20 क्वालिफायर हुआ था तब दुबई में, जी हाँ डेनमार्क के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक ली थी, और ये नेपाल की तरफ से पहले प्लेयर बने जिन्होंने हैट्रिक ली, पहले प्लेयर नेपाल की तरफ से 2012 में ICC वर्ल्ड T20 क्वालिफायर्स दुबई में डेनमार्क के खिलाफ। इसके बाद दूसरे नेपाली सेंचुरियन बने ये, कब ये मत सोचिए खाली बॉलिंग से कारनामा किया इन्होंने, और किस सिचुएशंस पे बने हैं ये देखिए, किस टाइम बने हैं, जी हाँ जब डिवीजन क्रिकेट में था नेपाल, कहीं ना कहीं कोई नामो निशान नहीं था उनका ओडीआई और T20I में, उस वक्त इन इन प्लेयर्स ने जिस तरह का कारनामा किया, और नेपाल जो आज फ्रूटफुल जो प्लेयर्स ले रहे हैं कहीं ना कहीं इन सब प्लेयर्स में, और उनमें शक्ति गोचर का नाम बहुत ऊपर। और पीछे जाना चाहूंगा ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2005 में, 2005 में, जी हाँ जब अपने पेरेंट्स गलती से भी क्रिकेट की तरफ आंख उठा के नहीं देख रहे कहीं के भी, नेपाल तो खैर छोड़ ही दीजिए, वहां तो क्या ही देखेंगे, दो ही प्रोफेशन को चुनने के लिए बोलते थे, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, तब ये सेंचुरी मारा, और तब ये दूसरे प्लेयर बने नेपाल की तरफ से सेंचुरी मारने वाले, जहां 2005 में ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर से शतक मारा था, 106 रन मारे थे। फिर भी तीसरा रिकॉर्ड, जी हाँ देख लीजिए, ये है वो प्लेयर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं,
डिवीजन फोर के आईसीसी क्रिकेट लीग डिवीजन फोर 2012 में मलेशिया के खिलाफ 10 ओवर 8 मैडेंस 2 रन और 5 विकेट, ये इनका परफॉर्मेंस था, या माफ कीजिएगा मलेशिया के खिलाफ। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 5 विकेट नहीं 3 विकेट है। जी हाँ माफी चाहूंगा, 3 विकेट से माफी चाहूंगा। इसी के साथ 2014 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच हुआ था हांगकांग के खिलाफ, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच रहे थे उस मैच में ये शक्ति गोचर, उस मैच में मैन ऑफ द मैच थे, 3 विकेट होल लिया था उन्होंने। ये है ऐसे 4 परफॉर्मेंस नहीं अनेक परफॉर्मेंस है, ऐसे हम बताते बताते थक जाएंगे, इनके नाम भी नहीं है, कई रिकॉर्ड भी नहीं है, कई रिकॉर्ड रजिस्टर्ड भी नहीं है, पास करने के साथ भी सेम। जी हाँ, पास करने के साथ भी सेम है, उनके कई रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है इंटरनेशनल में, इसी वजह से। और आप जब अब स्टेट्स की तरफ बढ़ेंगे, जी हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आप स्टेट्स की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए यहाँ पे T20I में सिर्फ 9 मैचेस में 8 विकेट, यहाँ क्या देखना आपको दिखा भी नहीं होगा, गूगल पे जाइए सर्च करिए, आपको कहीं से भी नजर नहीं आएगा कि ये लेजेंड प्लेयर कहाँ से हो गए, लेकिन इन्होंने जिस तरह का इम्पैक्ट छोड़ा है नेपाल क्रिकेट टीम में वो पूरी तरह से लेजेंड से कम नहीं है। बैक 2005 याद रखिएगा, हम वहां फिर से जा रहे हैं 2005 की तरफ, बिल्कुल आप सोच के देखिए क्रिकेटरों का क्या हाल था, सोच हंसते थे, पेरेंट्स मजाक उड़ाते थे, डांटते थे, उस टाइम पे शतक मारा है, उस टाइम टीम को निकाला है नबी, और आज जो नबी आप देखते हैं ना, बिल्कुल नबी उस टाइम के नबी है, जवान हुआ करते थे, बिल्कुल तब साथ साथ खेले हैं दोनों, और आज नबी कहाँ है और सचिन ओचन कहाँ है, जी हाँ, पर लेजेंड है, ये हकदार तो कोई छीन ही नहीं। जी बिल्कुल, जितना नबी ने अपनी टीम के लिए इम्पैक्ट किया है वही कहीं ना कहीं शक्ति कोचन ने भी इम्पैक्टफुल अपने रहे हैं टीम्स के लिए, वो जैसे कि हमने कहा सीड किसी और ने बोए और फ्रूट कोई और ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और नहीं ले रहा, उन्हीं की कंट्री ले रही है, लेकिन अहमियत का सपना भी था, उनका ही सपना कि नेपाल ओडिया स्टेटस वाली टीम बने, इंटरनेशनल खेले, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करे खेले, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्टफुल ये प्लेयर अपने टीम्स के लिए रहे हैं, स्टीव टिकोलो हो, रियान टेन डॉसेट हो, और फिर बात अगर हम करें यहाँ पे बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं, इनके नेशंस को कहीं से भी कोई इंस्पायर इंस्पिरेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो यही है, इसके हम पहले भी कहते आ रहे हैं, अगर आपके देश में कोई इंस्पिरेशन नहीं है तो फिर आपके दूसरे देश के प्लेयर को देख के आपके यहाँ के यंग प्लेयर्स कभी इंस्पायर नहीं होने वाले, ये अगर आप सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है, आपके अपने लोगों के बीच में ही जब कोई बंदा कोई बच्चा जब देखता है कि अरे ये भैया वहां पहुंचे हैं हमारे ही देश से हमारे ही बीच में से, तब उनको सबसे ज्यादा मोटिवेट और पम्प्ड अप मिलता है। इन तीन के लिए थैंक यू सो मच स्टीव टिकोलो, रियान टेन डॉसेट और शक्ति गोचन को, कि आपकी वजह से आज ये टीम्स कहीं ना कहीं उस मुकाम तक पहुंच पाई है कि ये ओडीआई और T20I के इंटरनेशनल स्टेटस तक पहुंची है, आपके मैचेस सिर्फ 34 है लेकिन ये वो टीम्स होंगी, ये यंग प्लेयर्स होंगे जो 34 नहीं 340 ओडीआई या T20I भी खेले तो फिर कहीं ना कहीं कम होगा। थैंक यू सो मच और सैल्यूट है आप सबको, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आप हमारे नेक्स्ट सहमत है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादातर लोगों तक ये चीजें पहुंचे, जी हाँ ये शेयर करने वाली चीजें ज्यादा शेयर जरूर करिए, बने रहिए डेडिकेटेड के साथ।